क्या अर्णब गोस्वामी को आज मिलेगी जमानत? रिपब्लिक ग्रुप के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका पर शनिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अर्णब को मुंबई के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय और उनकी मां को कथित तौर पर आत्महत्या की उकसाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वह 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जमानत याचिका पर अंतिम फैसले से पहले उन्हें जेल नहीं भेजा गया। पिछले दो दिनों से उन्हें अलीबाग के एक स्कूल में बने कोविड सेंटर में रखा गया है। अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हुई। हाई कोर्ट के जस्टिस एस एस सिंधे और जस्टिस एम एस कारनी की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, आमतौर पर जमानत के लिए पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट फिर सेशन कोर्ट में अर्जी देनी होती है। जमानत ना मिले तो हाई कोर्ट में अपील की जाती है। कोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका अधूरी है। हाई कोर्ट चाहता है कि अर्णब पर जिस अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है उसकी पत्नी अक्षता और महाराष्ट्र सरकार की बात भी सुन ली जाए। कोर्ट ने अर्णब से कहा कि अपनी अर्जी में अक्षता को भी शामिल करे। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अक्षता और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दलीलें क्यों नहीं रखी गई। इस पर अर्णब के वकील हरीश सालवे ने कहा, हाई कोर्ट को जमानत आवेदन पर सुनवाई का विशेष अधिकार है, उनकी मुवक्किल की स्वतंत्रता दांव पर है। राज्य सरकार उन्हें परेशान करना चाहती है क्योंकि उन्होंने अपने चैनल पर राज्य सरकार से सवाल पूछे थे। अर्णब की गिरफ्तारी पर अमित शाह ने कोलकाता में कहा, प्रेस की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का हमला सही नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी पार्टी या सरकार को बाधित नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की इमरजेंसी के समय से ऐसी संस्कृति रही है, हम इसके खिलाफ है। मेरी पार्टी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी मामले में महाराष्ट्र सरकार को झटका दिया है। कोर्ट ने विशेषाधिकार हनन मामले में अर्णब की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े की अगुवाई वाली बेंच ने विधानसभा सचिव को नोटिस भी जारी किया है। यह नोटिस सचिव की अर्णब को लिखी चिट्ठी के सिलसिले में दिया गया है। चिट्ठी में सचिव ने अर्णब को विशेषाधिकार हनन का विधानसभा का नोटिस शीर्ष कोर्ट को न बताने की चेतावनी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि विधानसभा सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी क्यों नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा सचिव ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना के लिए अर्णब के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।